सुनीति मैया ने रो करके कहा, मेरे लाल तू मुझे छोड़ के मत जाना, अगर तू मुझे छोड़ करके चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। दोहरा बोला, मां तुझे मेरे सर की कसम है, रोना बंद कर दे और मैं जाऊंगा जरूर। आगे को जब पढ़ा तो मात भूमि पे गिरी गई, हार दीना सुगमाई और धन धन बेटा मात के नहीं पीछे कदम हटा। तो आगे बढ़ गया, ये नहीं देखा कि मैया बेहोश हो गई है, किस्म लेकर के आगे बढ़ गया, मां मुझे रोकना नहीं, मैं जा रहा हूं। जंगल के पिता को ढूंढ करके जरूर लाऊंगा। जब बढ़ा आगे उत्तानपाद महाराज को सूचना पहुंच गई कि पारी उम्र का मेरा बच्चा जा रहा है तपस्या करने के लिए जंगल के लिए, महामंत्री को भेजा जाकर के कह दो कि मेरा बेटा तपस्या करने के लिए न जा रहा। हार दे दी है तो राज लला से जाए की कही दियो, बोले महाराज दी है तो राज मेरे सुख से जाए कही दियो। जवाब दिया महामंत्री से, मेरे बेटा को जाकर के रोक लो, उससे कहो हम राजा आदा दे देंगे, बांट करके हम क्या करेंगे इस राज का, रे हम इतने बड़े राजा हैं और हमारी संतान भटकती फिर रहे। महामंत्री ने रास्ता रोक लिया, कहां जा रहे हो, तुम्हें आधा राज में लगा कहीं तपस्या करने मन जाओ। तो विचार कर रहा है बारे परमात्मा, भाई तो नाम की शुरुआत भाई है, राज मिल उठू कहा हमारे लिए हमारी मेहतारी के लिए दो टाइम की रोटी ना चैन से, और जिस दिन तुझे प्राप्त कर लूंगा साधन पतो ने कहा कहा मिलेगा, तो हमने मना कर दिया, जाओ हमें राज नहीं चाहिए, तपस्या करूंगा तपस्या। बढ़ गया आगे, जो जंगल में प्रवेश किया, नारद बाबा से मुलाकात हुई, बच्चे ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, पैर छुए, नारद विचार कर रहे हैं बड़े अच्छे विचार नको बालक है, तो बढ़िया कर से हुई और जी बात बिल्कुल हकीकत है, परिवार की पहचान बच्चे होते हैं, परिवार को पढ़ाने वाले भी तुम्हारी संतान ही होती है, परिवार का परिचय भी बच्चे होते हैं। और आज के जमाने में 60% ऐसे लोग हैं, ऐसे नई नई उम्र के बच्चे हैं जो अपने से बड़ों के लिए प्रणाम करते हैं, और 20% तो ऐसे हैं नई नई उम्र के लड़का, अगर बड़े बूढ़े सामने से आ रहे हैं तो वे राम राम उनसे
खुद चाह रहे हैं कि ये बड़े बूढ़े हमसे राम राम कर रहे हैं और बड़े बूढ़े सामने से आ रहे हैं तो उन्हें देख रहे हैं कि बखर में जोता और पत्ता है। क्यों? वो दिखाना चाहते हैं कि तुम पे बुढ़ापा है और हम पे है जवानी, लेकिन जिनाए मालूम जब बड़े बूढ़े के ऊपर जवानी है तो मुझे से जोर नहीं आया। पहले के बड़े बूढ़े जितना शुद्ध दूध शुद्ध घी शुद्ध मठा पचा गए उतना व्यवहार का शुद्ध पानी नहीं पचेगा। पहले के बुजुर्ग लोग गुच्छनी की रोटी खाते थे, गुच्छनी की रोटी नई उम्र के लड़का बहुत देर तो बताओ ना पानी गुच्छनी की रोटी क्या तक आए थे। गुच्छनी की रोटी थोड़े से गेहूं थोड़े से चौ थोड़े से चना थोड़ी सी मटर मिला करके आटा बनवाते थे उसकी रोटी बना करके खाते थे। ओ अबे बानको तुम बड़े से कटोरा में मटर की दाल करके सांझ को पिया दियो वे सब रात खेत ही ना पर सो समझे बैठे कि हम तो जवानी है इन पे बुढ़ापो है। और देखो जो लोग अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं अपने से बड़ों के लिए प्रणाम करते हैं राम राम करते हैं, अगर तुम अपने से बड़ों का सम्मान करोगे तो तुमसे छोटा है, तुमसे जो छोटे हैं वो तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करोगे तो अपने सम्मान की आस मत करो, बिल्कुल मत करो। क्यों? अंग्रेजी की कहावत है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ में होगा। तुम बड़ों से सम्मान करोगे बड़ों का सम्मान करोगे आदर करोगे तो तुमसे छोटे तुम्हारा सम्मान करेंगे। कैसे रही 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 रही। तो बड़ों को सम्मान करो करोगे आदर करता बड़े समझ में आ रहा मतलब तुम्हारे पिताजी ने सिखाए कि माता जी ने मतलब असत का एक और ये हकीकत परिवार का विकास भी संतान करती है और परिवार का परिचय भी संतान ही होती है। धर्म ने पैर छुए नारद को, नारद बोले लला कहां जा रहे हो अकेले उठ के आयो का बोले सोना तपस्या करवे जा रहे बाबा तपस्या करवे तपस्या जंगल में बेटा शेर रहते हैं चीता रहते हैं भेड़िया रहते हैं। धर्म बोला तो नाग बोले तो पकड़ के नहीं खा लेंगे तुझे। धर्म ने कहा देव जीव है हमो जीव है काय को खाए जाएंगे। नाग विचार कर रहे बालक भाषा बड़ी ऊंची बोल रहे लला तपस्या करके जा रहे हैं कल गुरु बनाओ ना, तो कल गुरु बनाए लियो बिना गुरु के तपस्या पूरी ना होते। ठीक है बाबा बना लूंगा आगे बढ़े। नाद विचार कर रहे तो जिके तुम बन जाओ न जिके कल बताए देव हम अपने मुंह से कैसे कह देंगे पो गुरु तू हमें बना ले। दूसरी बार फिर आए चक्कर काट के लला हाँ गुरु बना लियो कल ठीक है बाबा बना लूंगा फिर आज बन गए। नारा समझ गए जो मुंह से नहीं कही वो फिर चक्कर काट के सामने आए लला गुरु बना लियो कल ठीक है बाबा बना लूंगा। नारा समझ गए कि हकीकत भी नहीं मुंह से कही वो श्री नारद बोले लला हाँ अपो गुरु तू हमें बना ले तो द्रव ने कि तुम बन जा लेकिन एक बात तभी दिया मतलब कमी है निकल हम पे टाइम ना है कच्ची बात है हम पे इतना टाइम ना है कि तुम्हारी कुटिया पे रुके साले तुम्हारी लंगोटी तो भर रहा ना तो बोले सो कोई चिंता ना है ना तो साल खाने वाले चीना बना लेते पांच पांच छह छह साल वाले चीना बना लेते और घड़ी वाले चीना बना लेते जैसे हो तैसे धर्मने की तो घड़ी वाले चीना बना ले होगे। नार्द जंगल में भागे पीपल आम कदम इनकी लगन लाए तोड़ करके सामग्री लाए हवन बचाया धर्म को बिठा करके आहुति लगवाई कान में द्वादश मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
द्वादश मंत्र दिया, श्री गर्भ ने पांच झील, गुरु जी अब आप चेला बनेंगे, अब तपस्या, अब तो गुरु जी बनेंगे, तो